आइए देखिए कक्षा 10 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का 14 लास्ट का है। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो जाएगा, इसके बाद समांतर से भी पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 1000, सॉरी 1000 नहीं, क्या है, इकाई दहाई चौका 1000, 10000 कितना है, रुपये 10000 की राशि 8% वार्षिक की दर से, मतलब 8% ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है ए बराबर पी पुस्तक में 1 + r/100 / n। दिस मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन पुस्तक 1 + r मीस दर, कितनी परसेंट से लिया गया, 100 और ऊपर समय घात n, n का मतलब कितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का, जबकि 10000 की राशि से, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 10000 क्या है, मूलधन है, तो पी पी क्या होता है, मूलधन, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 10000 10000 एक और 4 0 कितना हो जाएगा, 10000 1 + r, r कितना है, 8% दिया गया, 8/100 / n, n मीन्स प्रत्येक वर्ष के लिए, तो वैसे एक लिखते नहीं है और वैसे समझाने के लिए एक बना दे रहा है, ठीक है, एक बस लिखते नहीं, एक हम भी नहीं लिखते, चलो ठीक है। तो अब हमें इसकी क्या ए पी बनाना है, ए पी मीन समानांतर श्रेणी में शो करना है इसको, तो क्या बनेगा, टी वन बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रथम को मानते हैं टी वन, तो ये प्रथम ही है, तो टी वन क्या हो जाएगा, 10000 1 + r/100 / n, एक मान लीजिए, ठीक है, और टी टू बराबर हो जाएगा 10000 1 + r/100 / n, n की जगह क्या हो जाएगा, टी टू मीन्स 2 वर्ष के लिए 2, और टी थ्री 3 वर्ष के लिए, बिल्कुल सरल है, सिंपल है, 10000 1 + r/100, समय की जगह कितना हो जाएगा, 3, टी फोर बराबर 10000 1 + r/100 घात, अभी 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्वनांतर डी, तो सर्वनांतर डी इसका समान नहीं आ सकता, क्योंकि दी गई संख्या है मिश्रधन मूलधन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान समान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पाने के लिए।